किसान में गुस्ताखी पर अंजुमन साहेब बरकात ने जताया रोष। ख्वाजा गरीब नवाज किसान में गुस्ताखी करने वाले न्यूज चैनल के एंकर व सीईओ के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए अंजुमन शाहे बरकात के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। संबल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसान में गुस्ताखी करने वाले टीवी एंकर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंजुमन शाहे बरकात ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया तथा मांग की कि जल्द से जल्द एंकर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि न्यूज़ के एंकर व मैनेजिंग एडिटर ने ख्वाजा गरीब नवाज को अक्रांता चिश्ती हमला करने वाला चिश्ती और लुटेरा चिश्ती वीडियो में बोलकर उनकी सख्त तौहीन की है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है तथा न्यूज़ के वेरीफाई ट्विटर अकाउंट पर अपलोड है। ख्वाजा गरीब नवाज पूरे विश्व भर में सूफी संत हैं, जिनकी दरगाह देशवासियों की आस्था का केंद्र है, जहाँ पर हर धर्म व जाति के लोग आस्था के साथ साथ हाजिरी देते हैं। एंकर ने उनकी शान में तौहीन व गुस्ताखी करके करोड़ों मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचाई है, जिससे भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों में रोष है और उनको करोड़ों मानने वालों के दिल को आहत पहुंचाने का काम किया है। आपसे अनुरोध है कि न्यूज़ के एंकर व मैनेजिंग एडिटर व न्यूज़ चैनल के सीईओ राहुल जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराई जाए, ताकि जनमानस को न्याय मिल सके। आज आपने आज ज्ञापन दिया है, एसपी साहब को क्या मामला है? न्यूज़ चैनल 18 ने सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में जो गुस्ताखी करी है, उसी को लेकर हमने एक FIR की कॉपी SP संभल को सौंपी है। एक ऐसे शख्स के खिलाफ जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काना चाह रहा है, सूफी संतों पर हमला कर रहा है, हिंदुस्तान की सरजमीन सूफी संतों की सरजमीन है, इस सरजमीन पर कभी भी कोई सूफी संतों की मुखालफत में कोई जुमला बोलेगा या उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा होगा, लिहाजा हम उसकी सख्त तौर पर भर्सना करते हैं, निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ हुकूमतें वक्त को सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हम मुतालबा करते हैं, ताकि आने वाली नस्लें भी ये समझ सकें कि बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखी करना कितना महंगा साबित होता है। संभल SP को ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? अमीश देवगन का एक 15 तारीख को डिबेट में आरपार के डिबेट में एक वनम एक जहरीला बयान आया, जिसमें उन्होंने जो सूफी सेंटर सूफियों का एपी सेंटर पीस का है, हारमोनी का है, गरीब नवाज जो कि पूरी दुनिया के अंदर पीस प्रमोशन के लिए जाने जाते हैं, उनके ऊपर उनको आक्रांता कहकर और उनको डेरोगेटरी रिमार्क्स यानी कि भद्दे कमेंट्स ऐसे किए गए जो एक आम इंसान के लिए भी नहीं किए जाते। मेरा मानना यह है कि चैनल को कतई तौर पर लाइसेंस इसलिए नहीं दिया जाता कि वो हेट को या वो सोसाइटी को डिवीज़न के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए, उसकी एक जिम्मेदारी होती है। हम लोगों ने अपील की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से भी कि ऐसे विनम जहरीला वक्तव्य देने वाले और इस किस्म की बयान देने वाले लोगों को एंकर को सैक किया जाए और ऐसे चैनल को बैन किया जाए। देखो बताया जा रहा उन्होंने माफ़ी मांग ली है। नहीं देखिए, मैं कत्ल करके आ जाऊँ मैं कह दूँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, सो इट डज़न्ट, करोड़ों लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर देखा है और उसने सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, सो ही मस्ट बी पनिश्ड। हम ये तो नहीं ना कह रहे हैं कोई काम की, एक आदमी जुर्म करता है उसको पनिश कीजिए, मैं सोसाइटी की बात तो नहीं कर रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ एक आदमी ने जुर्म किया, जिसने जुर्म किया उसको सज़ा मिले। हम क्या कत्ल करने के बाद कह देंगे साहब हमें नहीं मालूम था हमने जो है वो कत्ल किया और उसकी सज़ा हो जाए? तो जो काम कोर्ट जो लॉ का है लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, उसको अपना काम करना है और उसका सीधा काम ये है कि ही मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट अमीश देवगन।